केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में चूक हुई है। शनिवार को हैदराबाद में उनके काफिले के आगे टीआरएस नेता ने अपनी कार लगा दी। हालांकि गृह मंत्री के सुरक्षा कर्मियों ने इसे तुरंत हटवा दिया। टीआरएस नेता की पहचान गोसुला श्रीनिवास के रूप में हुई है। घटना के बाद श्रीनिवास ने कहा कि कार काफिले के आगे अचानक रुक गई थी। जब तक मैं कुछ समझ पाता तब तक गृह मंत्री के सुरक्षा कर्मियों ने उसमें तोड़फोड़ की। मैं पुलिस अधिकारी से मिलूंगा और कार्रवाई करने के लिए कहूंगा। भारत का 70 साल का इंतजार शनिवार को खत्म हो गया। नामीबिया से आए 8 चीतों ने देश की सरजमी पर पहला कदम रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुनो नेशनल पार्क में बॉक्स खोलकर 2 चीतों को क्वारंटीन बाड़े में छोड़ा। रिकॉर्डेड भाषण में पीएम मोदी ने चीते भेजने के लिए नामीबिया का आभार माना। केरल में आवारा कुत्तों की दहशत बढ़ती जा रही है। राज्य में इस साल रैबिज से 21 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एक आदमी बच्चों की सुरक्षा के लिए लोडेड एयरगन लेकर सड़क पर चल रहा है। उधर केरल के मुख्यमंत्री का कहना है कि कुत्तों को मारना समस्या का समाधान नहीं है, इसके लिए साइंटिफिक सॉल्यूशन की जरूरत है।